नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामना। बिहार नगर निकाय चुनाव की दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। सीएम नीतीश का ऐलान, बिहार खुद अपने बूते हर जिले में खोलेगा मेडिकल कॉलेज। लखीसराय SP ने कहा, झूठ बोल रहे हैं विजय सिन्हा। शोएब अख्तर ने की अपने ही बोर्ड की बेइज्जती। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को दी जन्मदिन की शुभकामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर देश विदेश से बधाइयां मिल रही हैं। वहीं NDA से अलग होने के बाद भाजपा और केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामना दी है। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं देते हुए अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी PM को बर्थडे विश किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश वासियों को मेहनत कशों एवं शिल्पकारों के सम्मान के प्रति विश्वकर्मा पूजा की बधाई दी है। बिहार नगर निकाय चुनाव की दूसरे चरण की अधिसूचना जारी। बिहार के 23 जिलों में दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना बीते दिन शुक्रवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही इस चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बता दें कि दूसरे चरण में पटना सहित 17 नगर निगम, 2 नगर परिषद एवं 39 नगर पंचायतों में चुनाव होगा और इस चरण में कुल 1529 वार्डों में वोट पड़ेंगे। इस चरण के चुनाव को लेकर 7084 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इस चरण के चुनाव में 24 सितंबर से नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद 25 और 26 सितंबर को सभी नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं इस चुनाव से नाम वापस लेने की तारीख 27 से 29 सितंबर तक निर्धारित की गई है। 30 सितंबर को उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप से जारी किया जाएगा। 20 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और 22 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी। टैक्स चोरी मामले को लेकर बिहार के 5 जिलों में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी। बीते दिन शुक्रवार को बिहार के 5 जिलों में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने टैक्स चोरी के आरोप में कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही। मगध प्रमंडल के गया, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास और नवादा जिले में टैक्स भुगतान नहीं करने और मनमाने तरीके से रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों के ठिकानों से जांच टीम ने लाखों रुपए का माल जब्त किया है। वहीं खबर यह भी सामने आई है कि आज यानी शनिवार को भी एक दो जगह पर छापेमारी जारी रहेगी। बता दें कि छापेमारी की ये कार्रवाई वाणिज्य कर आयुक्त सह सचिव डॉक्टर प्रतिमा के निर्देश पर की गई है। मौसम विभाग के द्वारा बिहार के 25 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट। बिहार में मॉनसून को देखते हुए मौसम विभाग ने शनिवार यानी कि आज उत्तर बिहार के कुछ जिलों में बरसात होने के आसार जताए हैं। इसके अलावा उत्तर, दक्षिण और पूर्वी बिहार के 25 जिलों में वज्रपात का अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के लगाए अनुमान के अनुसार बिहार राज्य में 20 सितंबर तक बारिश संबंधी गतिविधियों के जारी रहने की संभावना है। बता दें कि पटना मौसम केंद्र के मुताबिक शनिवार को जिन जिलों में झमाझम बारिश होने के आसार जताए गए हैं उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा सहित समस्तीपुर जिले शामिल हैं। इसके अलावा पूरे बिहार में कहीं कहीं छिटपुट पानी गिर सकता है। सीएम नीतीश का ऐलान, बिहार खुद अपने बूते हर जिले में खोलेगा मेडिकल कॉलेज। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार खुद अपने बूते राज्य के हर जिले में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल खोलेगा। इसके लिए बिहार केंद्र के भरोसे नहीं रहेगा। बता दें कि यह घोषणा नीतीश कुमार ने 123 करोड़ की लागत से बने भोजपुर के कोइलवर में बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित परिसर के उद्घाटन के मौके पर की है। उन्होंने कहा कि राज्य को केंद्र सरकार की ओर से 150 से 180 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, जबकि राज्य सरकार जमीन खरीदती है और निर्माण होने तक 1000 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे में केंद्र को 150 या 180 करोड़ रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है ताकि वो केंद्र सरकार का कॉलेज और अस्पताल कहलाए। डाओ ऐप बनाकर मधुबनी के सुंदरम झा ने जीता 12 लाख का पुरस्कार।
मधुबनी के बेनीपट्टी प्रखंड के ढंगा पश्चिमी निवासी सुंदरम झा ने डाओ एप्लीकेशन बनाकर $15,000 यानी कि 12 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार जीता है। बता दें कि 12 लाख का यह पुरस्कार वेब 3 कंपनी पॉलीगन की ओर से दिया जाएगा। यह एप्लीकेशन हैकथॉन की क्रिप्टो करेंसी के लिए तैयार किया गया है। इस पुरस्कार को देने की घोषणा 13 सितंबर को की गई थी। बताते चले कि इस प्रतियोगिता में 117 देशों के करीब 6500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। सुंदरम ने इस वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की है। सुंदरम ने बताया कि इसी हैकाथॉन के 2021 संस्करण में NFT टिकटिंग प्लेटफॉर्म के लिए उन्होंने कम्युनिटी पुरस्कार जीता था। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने सब कुछ खुद ऑनलाइन ही सीखा है। पितृपक्ष मेला में गए DM और SSP ने खुद तीर्थ यात्रियों को परोसा खाना। पितृपक्ष मेला 2022 के अवसर पर तीर्थयात्रियों को जिला प्रशासन के द्वारा खास ख्याल रखा जा रहा है। बता दें कि गया के DM डॉक्टर त्यागराजन तथा SSP हरप्रीत कौर ने स्वयं अपने हाथों से अनेक तीर्थयात्रियों को खाना परोसा। इसके अलावा तीर्थयात्रियों के लिए जिला प्रशासन द्वारा टेंट सिटी के अंदर ही एक काउंटर, किचन, 100 जोड़ा चेयर टेबल तथा अन्य व्यवस्थाएं की गई है ताकि आसानी पूर्वक तीर्थयात्री बैठकर भोजन कर सके। इसी दौरान गांधी मैदान में भी बनाए गए टेंट सिटी में तीर्थयात्रियों को रात्रि पाली में निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की उद्देश्य से डालमिया जी के द्वारा निःशुल्क भोजन काउंटर खोला गया है, जिसका उद्घाटन बिहार के पर्यटन मंत्री के द्वारा किया गया है। इस दौरान उन्होंने टेंट सिटी में ठहरे हुए विभिन्न तीर्थयात्रियों से उनका हाल चाल एवं व्यवस्था के बारे में भी रूबरू हुए। CUET स्कोर के आधार पर 3 अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में ले सकते हैं एडमिशन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस रिजल्ट के माध्यम से दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में 3 अंडर ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में एडमिशन ले सकते हैं। इनमें 4 वर्षीय एकीकृत BA BEd, 4 वर्षीय एकीकृत BSc BEd और 5 वर्षीय एकीकृत BA LLB के लिए स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही कई यूनिवर्सिटियों ने एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद विभिन्न चरणों में उपलब्ध सीटों के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी। बता दें कि CUET 2022 के लिए बिहार से 25,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए थे। वहीं CUET के जरिए स्टूडेंट्स देश की 86 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। सीतामढ़ी में भारी संख्या में नकली नोट, देसी पिस्टल और मैगजीन के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। सीतामढ़ी जिला पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी की है। इस छापेमारी के दौरान जिला पुलिस ने बड़ी संख्या में नकली नोटों के साथ 8 तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। इसके अलावा पुलिस ने देसी पिस्टल और मैगजीन भी बरामद किया है। इसमें रीगा और मेजरंगंज थाना क्षेत्र से 4 लाख का नेपाली नोट, 1 बंडल जाली नोट बनाने के कागज, 1 पुलिस की वर्दी और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेप्रोसी विभाग का निरीक्षण करने पहुंची बेल्जियम की 5 सदस्यीय टीम। बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ सदर अस्पताल में मिशन 60 को सफल बनाने की मुहिम को लेकर बीते दिन शुक्रवार को बेल्जियम की 5 सदस्यीय टीम लेप्रोसी विभाग के गतिविधियों की जानकारी लेने और बेहतर व्यवस्था का सुझाव देने के लिए सदर अस्पताल पहुंची, जहां सभी विभाग के लिए कार्यरत सहयोगी संगठनों द्वारा निरीक्षण किया गया। 5 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण करने के दौरान करीब 22 कुष्ठ रोगियों से मुलाकात कर उनको मिल रही सुविधा की जानकारी ली। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जिला में कुष्ठ के लिए कुल 268 रोगी हैं। इनमें से PV के 100, MV के 168 रोगी हैं और इन सभी रोगियों का इलाज चल रहा है। लखीसराय SP ने कहा, झूठ बोल रहे हैं विजय सिन्हा, मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता। बिहार विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 3 दिन पूर्व लखीसराय में घटित दुष्कर्म और डकैती कांड के बाद पुलिस पर जमकर हमला बोला था। बता दें कि उन्होंने लखीसराय के SP पंकज कुमार पर फोन बंद रखने, उनका फोन रिसीव नहीं करने, अपराध रोकने में विफल, पैसे लेकर थानेदारी की पोस्टिंग करने, बालूदारू में व्यस्त रहने सहित कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी SP को फोन करके हड़काया था। इस आरोप के बाद अब SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात सामने रखी है। SP ने कहा कि उन्होंने अपनी नौकरी के कार्यकाल में कभी भी सरकारी फोन बंद नहीं रखा है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का 2 नंबर उनके मोबाइल फोन में सेव है, जिस पर कई बार उनसे बातचीत हुई है। उन दोनों नंबर से एक भी कॉल ऐसा नहीं हुआ है जो उनसे ड्रॉप हुआ हो।
इसकी जांच मोबाइल कॉल डिटेल निकाल कर की जा सकती है। विजय कुमार सिन्हा की लखीसराय पुलिस एवं पुलिस कप्तान के प्रति सोच अलग है। बेगूसराय गोली कांड को आतंकी हमला बताने वालों को कोइलवर मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाए सरकार। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी हमला बताए जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो लोग बेगूसराय गोलीकांड को आतंकी घटना बता रहे हैं उनका सरकार तुरंत कोइलवर स्थित मानसिक रोग अस्पताल में इलाज कराए। बता दें कि बीते दिन ही नीतीश कुमार ने कोइलवर में बिहार के एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। वहीं इस पर शिवानंद तिवारी ने भी अपनी बात सामने रखी और कहा जिनके इशारे पर उस घटना को अंजाम दिया गया है वो अति बेचैन नजर आ रहे हैं। ध्यान भटकाने के लिए इस घटना को आतंकवादी घटना बताया जा रहा है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादियों ने इस तरह की किसी भी घटना को अंजाम नहीं दिया है। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार से अनुरोध किया कि अपने विरोधियों के स्वास्थ्य की भी उसे चिंता करनी चाहिए। अब तो रांची भेजने का भी झंझट खत्म हो गया है। जो लोग बेगूसराय इलाके को आपराधिक घटना को आतंकी हमला बता रहे हैं उन्हें तत्काल कोइलवर अस्पताल भर्ती करा कर उपचार कराया जाए। नामीबिया से भारत पहुंचे 8 चीते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से भारत 8 चीते लाए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी नामीबिया से आ रहे चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में छोड़ेंगे। इसके बाद वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली से सुबह करीब 9:20 बजे ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और करीब 165 किलोमीटर दूर सोयपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के लिए रवाना हुए, जहां उनके द्वारा सुबह लगभग 10:45 बजे चीतों का विशेष बाड़ों में छोड़ा गया। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केएनपी में पहुंचने वाले चीतों की एक झलक ट्विटर पर जारी की। चौहान ने कहा यह अत्यंत खुशी की बात है कि चीते कूनो नेशनल पार्क में आ रहे हैं। हम मध्य प्रदेश के लोग अपने नए मेहमानों का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। शोएब अख्तर ने की अपने ही बोर्ड की बेइज्जती, कहा वर्ल्ड कप नहीं जीती तो पूरा मैनेजमेंट बाहर। पाकिस्तान बोर्ड ने गुरुवार 15 सितंबर को आगामी T20 विश्व कप के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस टीम में शान मसूद को शामिल किया गया है और साथ ही शाहीन अफरीदी की वापसी भी हो गई है। इसके अलावा घुटने के चोट के कारण शीर्ष क्रम के अनुभवी बल्लेबाज फकर जम्मा मुख्य टीम से बाहर रहेंगे। पाकिस्तान की टीम का ऐलान होने के बाद पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने ट्वीट के जरिए वाशिम पर अपना निशाना साधा। इसके बाद टीम के दिग्गज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है, जिसका वीडियो एक YouTube चैनल द्वारा अपलोड किया गया है। इस वीडियो में शोएब अख्तर ने कहा है जब मुख्य चयनकर्ता औसत दर्जे का होता है तो उसके निर्णय भी औसत ही होंगे। स्कैलन ने आखिरी बार 2002 में क्रिकेट खेला था, मैं यह नहीं कहना चाहता क्योंकि वह मेरा दोस्त है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसे T20 क्रिकेट के बारे में कोई जानकारी है। मुझे नहीं लगता कि यह आपकी खूबी है। अगर यह टीम प्रदर्शन नहीं करती है तो पूरा प्रबंधन चला जाएगा, कोच चले जाएंगे और यहां तक कि रमीज राजा भी चले जाएंगे। देश भर से आए 10,000 से कम कोरोना के मामले। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी शनिवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 5,747 नए मामले सामने आए। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 58 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 30 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल 86,161 कोरोना सैंपल की जांच की गई है, जहां 95 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने भी हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, सचिन कुमार, पिक्कू प्रदीप, रंजीत मिश्रा, नन्नू कुमार, अर्णव सिंह, विजय कुमार, भान प्रकाश मौर्य, कविता कुमारी, अंकित सिंह, अर्जुन राम, पवन सिंह, के सिन्हा, मोहम्मद नौशद राजा, मुतुल रंगीला। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, अब तक भारत में बने सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।